मोस्ट वांटेड लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड, डॉन गोल्डी बराड का अभी इंटरव्यू वायरल हुआ है। पहले लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू वायरल हुआ था और दोनों ने एक ही बात बार बार अपने इंटरव्यू में कही, सलमान खान को जान से मार देने की। सलमान खान को जान से मार देने की धमकियाँ लगातार दोनों अपने इंटरव्यूज़ के जरिए दे रहे हैं और कोशिशों में लगे हुए हैं। इस पर अब एक जो लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू दिया था उसमें लॉरेंस बिश्नोई ने जो जो चीज़ें कही थी उसके साथ ही अब जो गोल्डी बराड ने अपना इंटरव्यू दिया है इसमें इन्होंने सलमान खान ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला और साथ में खालिस्तानियों के साथ उनका क्या संबंध है, पाकिस्तान से क्या संबंध है, ISI से क्या संबंध है, सारे राज खोल के रखे हैं। गोल्डी बराड ने क्या क्या कहा है ये सारी वीडियो में आप एक बार विस्तार से जानकारी देखिए। और चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। नाम गोल्डी बराड, पहचान मोस्ट वांटेड और पेशा संगठित अपराध, ठिकाना अज्ञात। गोल्डी बराड का इंटरव्यू लिया अरविंद ओझा ने, संवाददाता अरविंद ओझा ने गोल्डी बराड का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उनसे बहुत सारे गहरे सवाल पूछे। जैसे कि उन्होंने पूछा, भारत और कनाडा जैसे देशों में आपकी 25वें नंबर पर गिनती आती है मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में, ऐसा क्यों? तो गोल्डी बराड का इस पर कहना है कि मैं कनाडा में बीते 2-3 सालों से नहीं हूँ, मैं साल 2017-18 से कनाडा में था लेकिन फ़िलहाल 2-3 सालों से मैं कनाडा में नहीं हूँ और कनाडा में रहकर भी मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे कि मुझे मोस्ट वांटेड में डाला जाए, फिर भी ना जाने क्यों उन्होंने मुझे मोस्ट वांटेड में डाला है। मैंने एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और ईमानदारी से काम करके खुद को बनाया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि मुझे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में काउंट किया जाए। इसके बाद संवाददाता की ओर से सिद्धू मूसेवाला, सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के लिए पूछा गया कि आपने सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई, सारी चीज़ें करवाई, क्यों करवाया सिद्धू मूसेवाले का मर्डर? तो गोल्डी बराड ने जवाब दिया कि पहली बात तो किसी भी चीज़ में मैं नहीं, हम हैं, मैं अकेला कुछ नहीं करता, हमारी पूरी टीम है, जो किया है सारा भाईचारा है, भाईचारे ने मिलकर किया है, लॉरेंस ग्रुप, काला ग्रुप, जठेड़ी ग्रुप, सब ने मिलकर किया है। उसने कुछ हमारे पर्सनल ऐसे नुकसान किए, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा था सिद्धू मूसेवाला जिसकी वजह से हमें उसे मारना पड़ा। विक्की मिद्दू खेड़े वाले का कत्ल करवाया था सिद्धू के मैनेजर ने और सिद्धू ने भी उसमें, सिद्धू भी शामिल था और सिद्धू ने उसका साथ दिया था। विक्की का भाई अजय मीडिया में जाकर रोता रहा लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, ना ही सरकार ने कोई मदद की, तो हमने खुद ही फैसला कर डाला। इसके बाद संवाददाता सलमान खान के बारे में गोल्डी बराड से पूछते हैं कि गोल्डी बराड को कम से कम मारने के लिए 3-4 बार आपने लोगों को भेजा, चिट्ठियां भेजी, ईमेल भेजे और सलमान खान के घर की रेखी करवाई, तो इस बात में कहां तक सच्चाई है और आप क्यों सलमान खान को मारना चाहते हैं? तो इस पर जो डॉन गोल्डी बराड है उनका जवाब था कि उन्होंने बिश्नोई समाज के काले हिरण की हत्या की शिकार किया, जिसे बिश्नोई समाज पूजता है, बच्चे की तरह पालता है, इस तरह काले हिरण की शिकार करके, काले हिरण की हत्या करके उन्होंने बिश्नोई समाज की बेअदबी की है, उनकी इंसल्ट की है, या तो वो माफ़ी मांगे नहीं तो हम उसे जान से मार देंगे। सलमान खान ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया। तो इस पर गोल्डी बराड का कहना है कि यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारे बाद जो हमारे भाई बचेंगे, हमारी गैंग के जो लोग होंगे वो ऐसा करेंगे, लेकिन ये हमारा टारगेट है सलमान खान को मारना और हम अपना टारगेट पूरा करके रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर्स शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एक बड़ा खुलासा, 20 से 21 करोड़ का एक्सटॉर्शन जो है उन्होंने कमाया और गोल्डी बराड जी को भेजा है। इसके बाद हवाला के जरिए जो पैसे हैं वो भेजे गए हैं गोल्डी बराड को। और आगे जो है संवाददाता पूछते हैं इनसे, गोल्डी बराड से, आप पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया है NIA ने, तो कि आप खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, आप ISI का सपोर्ट करते हैं, आप दाऊद इब्राहिम का सपोर्ट करते हैं, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? इस सवाल पर गोल्डी बराड ने बहुत ही करारा जवाब दिया कि कुछ लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी है ऐसी खालिस्तानी, लेकिन मैं उनका और मेरी टीम उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करती। हमें हर तरफ से हर तरीके के बंदे अप्रोच करते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हर किसी से हाथ मिलाते फिरें। और दाऊद से, पाकिस्तान से, ISI से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
हम काम तो ज़रूर करते हैं लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमारे देश पर कोई ख़तरा बन जाए। तो ऐसा उन्होंने बयान दिया कि जिसको करने की ज़रूरत है वो करे, हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे, जैसे सिद्धू मूसेवाला और अब सलमान खान। तो ये था गोल्डी बराड का इंटरव्यू। इंटरव्यू में हमने सिर्फ अहम अहम चीज़ें आपको बताई है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, आगे की और लेटेस्ट खबरें आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।